तो चार बहुत ही बढ़िया लॉन्ग टर्म मल्टीपल ब्रेकआउट स्टॉक्स, ऐसे स्टॉक्स जो कि 10 साल से भी ज्यादा पीरियड का ब्रेकआउट करने जा रहे हैं। एंड यहाँ पर इन कंपनीज में कुछ ना कुछ फंडामेंटल पॉजिटिव चेंज भी है, जिसके कारण यहाँ पर ये स्टॉक्स बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म कर सकते हैं अगले कुछ हफ्तों में। तो इन स्टॉक्स को मैंने सिलेक्ट किया है आपके लिए एंड शेयर करने वाला हूँ बहुत ही डिटेल एनालिसिस। इनका हम बहुत ही डिटेल एनालिसिस करेंगे, इनके प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, लेवल्स और टारगेट्स को देखेंगे, और ये भी बताने वाला हूँ कि इन स्टॉक्स को मैंने आखिर ढूंढा कैसे है, वो कौन से स्क्रीनर से, वो भी मैंने ट्रांसपेरेंटली शेयर किया हुआ है ताकि आप भी ऐसे स्टॉक्स खुद से ढूंढ सको। तो मल्टी ब्रेकआउट स्टॉक्स को आप भी ढूंढ सकोगे प्रॉपरली, एंड इन स्कैनर्स का प्रॉपरली यूज कैसे करना है, और बहुत ही पावरफुल स्कैनर है ये, तो इस वीडियो को पूरा देखना। ये सभी स्टॉक्स बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं स्विंग ट्रेडर्स के लिए, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा अपसाइड पोटेंशियल भी है एंड रिवॉर्ड पोटेंशियल है। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो चलिए अभी एक एक करके सभी स्टॉक्स को बहुत ही डिटेल में एनालाइज करेंगे, उनके लेवल्स और टारगेट्स को देखेंगे, और इनके स्क्रीनर्स को भी देखेंगे इंडिविजुअली कि मैंने इन सभी स्टॉक्स को कैसे सिलेक्ट किया है, ताकि आप भी जान पाओ कि इन स्क्रीनर्स का आपको इस्तेमाल कैसे करना है। तो चलिए आज का जो पहला स्टॉक है हमारा वो है डोनियर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अभी इस स्टॉक की खास बात यह है कि ये पहले तो मल्टीपल ब्रेकआउट स्टॉक्स है, आज के सभी स्टॉक्स मल्टीपल ब्रेकआउट स्टॉक्स है, तो सभी के सभी स्टॉक्स बहुत ज्यादा स्पेशल है एंड सभी स्टॉक्स को आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए कंसिडर कर सकते हो। तो इस स्टॉक को मैंने वीकली टाइम फ्रेम पर ओपन किया हुआ है एंड आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पर हमें वीसीपी भी देखने को मिल रहा है, मतलब वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न। यहाँ पर कर्व स्ट्रक्चर लगातार ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहा है, आप क्लियरली देख सकते हैं। तो कर्व स्ट्रक्चर यहाँ पर इंडिकेट करता है फोर्स ऑफ एक्यूमुलेशन। जब भी आपको ऐसे कर्व फॉर्मेशन दिखाई दे, वो भी एक बड़े टाइम फ्रेम पर, जैसे कि वीकली टाइम फ्रेम हो गया या मंथली टाइम फ्रेम पर, तो इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। इसका हमें क्लियरली यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, जो कि है 6 साल का ब्रेकआउट 109 इस लेवल का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है 100 का, तो 100 का साइकोलॉजी लेवल भी है एंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल भी है, जो कि 6 इयर्स का रेजिस्टेंस। तो इसका कर्व के साथ ब्रेकआउट हो गया है, वो भी मल्टीपल कर्व्स है। फर्स्ट कर्व यहाँ पर था 2011 से लेकर 2016 तक, फिर यहाँ पर दूसरा कर्व और यहाँ पर तीसरा कर्व, और कर्व्स का यहाँ पर जो लेंथ है वो छोटा हो रहा है, नैरो हो रहा है, इसका मतलब होता है वीसीपी। तो जब भी आपको ऐसा वीसीपी पैटर्न दिखाई दे, इसका मतलब होता है कि यहाँ पर आपको बहुत ही पावरफुल इंपैक्ट देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है वॉल्यूम्स में। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन के नतीजे की वजह से ही हमें वॉल्यूम एक्सपेंशन देखने को मिलता है चार्ट में। तो यहाँ पर वॉल्यूम्स में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है एंड उसी के साथ प्राइस में मोमेंटम भी बहुत अच्छा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो चुका है, एक मेजर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर और एक पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, जिसके आप क्लियरली देख सकते हो ऊपर की तरफ, एंड एक स्मूथ डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है विद द ह्यूज वॉल्यूम्स। यहाँ पर वॉल्यूम्स भी हैं एंड अच्छा ब्रेकआउट भी हुआ है। तो यहाँ पर एंट्री लेवल जो होगा वो यहाँ पर 110 के आसपास होना चाहिए एंड स्टॉप लॉस जो रहेगा मेरा वो 100 के नीचे रहेगा। 100 का यहाँ पर साइकोलॉजी लेवल है, इसलिए इसके नीचे ही हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो ये एक लॉजिकल स्टॉप लॉस लेवल है एंड टारगेट 1010 के पास होना चाहिए। तो ये थे सारे एंट्री लेवल्स एंड प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट्स। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को मार्क किया है कि कंसोलिडेशन आफ्टर मेजर ब्रेकआउट। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, पैटर्न कोई भी हो, वहाँ पर आपको अगर डबल पैटर्न का कंफर्मेशन देखने को मिल रहा है, डबल पैटर्न मतलब यहाँ पर पहले तो ये वीसीपी पैटर्न है एंड उसके बाद ऊपर ट्रेंड लाइन का पैटर्न है, तो ये डबल कन्फर्मेशन आपको देता है, तो इससे आपका और ज़्यादा कन्विक्शन बढ़ेगा स्टॉक के ऊपर। अभी बात करते हैं इसका स्क्रीनर का, कि मैंने इस स्टॉक को कैसे ढूंढा। तो इस स्टॉक को मैंने ढूंढने के लिए एक स्क्रीनर का मदद लिया है, जो कि है पोटेंशियल ब्रेकआउट स्क्रीनर, और एक मेरा पावरफुल स्क्रीनर है जिसका नाम है पोटेंशियल ब्रेकआउट। इसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यहाँ पर वो सभी स्टॉक्स आते हैं जहाँ पर मल्टीपल ब्रेकआउट होने की पॉसिबिलिटी है, मल्टीपल ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स भी इसी के अंदर आते हैं एंड कई बार आपको ऐसे भी स्टॉक्स मिल जाएंगे जहाँ पर ब्रेकआउट से पहले ही ये स्टॉक आपको दे देगा मोमेंटम जब हो रहा है स्टॉक के अंदर। तो बहुत ही पावरफुल स्टॉक है, यहाँ पर आके आपको इन सभी स्टॉक्स को एनालाइज करना होता है वन बाय वन एंड देखना है आपको वॉल्यूम के बेसिस पर। एक चीज़ हमेशा याद रखना है, जो चेंज परसेंट है, यहाँ पर आके आप ऐसे स्टॉक्स भी देख सकते हो जहाँ पर 5% से कम मोमेंटम हुआ हो। तो अगर 5-7% से कम मोमेंटम हुआ है तो यहाँ पर और भी ज़्यादा पोटेंशियल होता है। तो इंडिविजुअली सभी स्टॉक्स के चार्ट को आपको एनालाइज करना है एंड उसमें से सबसे बेस्ट स्टॉक को आपको ढूंढना है, जैसे सेटअप के हिसाब से। जैसे कि यहाँ पर मुझे वीसीपी पैटर्न नजर आया तो मैंने यहाँ पर इस स्टॉक को सिलेक्ट किया। तो यहाँ पर आपको बेस्ट सेटअप के हिसाब से सबसे बढ़िया स्टॉक को अपने वॉचलिस्ट में ऐड कर लेना है। तो डोनियर इंडस्ट्रीज मैंने पोटेंशियल ब्रेकआउट स्क्रीनर से ढूंढा हुआ है। यहाँ पर आप आके बैक टेस्टिंग भी कर सकते हो अपने प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ पर मुझे 7 सितंबर के दिन डोनियर इंडस्ट्रीज दिखाई दिया था और एक स्टॉक था यहाँ पर MB इंडस्ट्रीज कह के, तो आपको मैं दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पर बैक टेस्टिंग के वक्त आप देख सकते हो कि पिछले वाले दिन या जो भी पर्टिकुलर डे का आपको देखना है स्टॉक, वो स्टॉक्स को भी आप बाद में जाके एनालाइज कर सकते हो। तो MB इंडस्ट्रीज इस स्टॉक को भी मैंने सिलेक्ट किया था और इस स्टॉक ने फ्राइडे के दिन 13% तक का मोमेंटम दिखा दिया। तो देखा आपने पावर स्कैनर का, बहुत अच्छे स्टॉक दिलाता है आपको एंड उसके साथ मुझे डोनियर इंडस्ट्रीज भी दिखाई दिया था, जो कि यहाँ पर है। तो इस तरीके से मैं बैक टेस्ट करके भी स्टॉक्स को सिलेक्ट करता हूँ।
अभी हम देखते हैं हमारे दूसरे स्टॉक के बारे में। दूसरा स्टॉक तो मेरा पर्सनल फेवरेट स्टॉक है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल ये स्टॉक साबित हो सकता है, आगे आने वाले महीनों में भी ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो दूसरा स्टॉक का नाम है आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर बूम कर रहा है अभी फिलहाल, एंड यहाँ पर हमें क्लियरली 14 ईयर्स का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है इस स्टॉक में। तो 14 ईयर्स का ब्रेकआउट का मतलब होता है कि जरूर इस कंपनी में कुछ ना कुछ फंडामेंटल चेंज भी हो रहा होगा, एंड उसी के साथ टेक्निकल्स में भी हमें यहाँ पर क्लियरली अच्छा पैटर्न का ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है, एंड उसके साथ वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे हैं। यहाँ पर दो पैटर्न है अगर आप ठीक से गौर करोगे तो, पहला तो है मल्टी ईयर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है सिंपल, एंड उसके साथ ब्रेकआउट के पहले ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी हुआ था। अगर आप ठीक से देखोगे, यहाँ पर मैं वीकली टाइम फ्रेम पर चार्ट को कन्वर्ट कर देता हूँ, तो जब भी आपको दो पैटर्न के साथ ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है तो वो स्टॉक आपको और पावरफुल मूवमेंट दिखा सकता है। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि वीकली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर स्टॉक ने हायर लोज का फॉर्मेशन करते हुए ट्रायंगल का फॉर्मेशन किया था। तो यहाँ पर दो पैटर्न है, ब्रेकआउट के पहले एक अच्छा यहाँ पर पैटर्न दिखा रेंज में, एंड इसका भी ब्रेकआउट हो गया, एंड उसके साथ ही मल्टी ईयर रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट हो गया। तो ये स्टॉक को हम कंसीडर कर सकते हैं। 31 का एंट्री लेवल रहेगा मेरा, यहाँ पर 31 का एंट्री लेवल है, एंड यहाँ पर 34 के पास रेजिस्टेंस लेवल भी है जो कि यहाँ पर वीक्स है कैंडल के। तो यहाँ पर प्राइस जरूर रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, तो यहाँ पर हमें कंफर्मेशन लेना चाहिए इसका। अगर इस लेवल का ब्रेकआउट हो जाता है तब हम और क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं आगे जाके। एंड जो स्टॉप लॉस रहेगा इस ट्रेड में वो रहना चाहिए 28.50 के नीचे। 28.50 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, डेली टाइम फ्रेम पर मैंने सभी लेवल्स को एनालाइज किया है, तो 28.50 के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए जो कि है इस कैंडल के नीचे। आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर फेकआउट भी हुआ था, तो 28.50 के नीचे स्टॉप लॉस, एंट्री 31, एंड टारगेट की बात नहीं करेंगे क्योंकि मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक है तो बहुत ज्यादा ऊपर जाने की पोटेंशियल रहती है, क्षमता रहती है, तो यहाँ पर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना है। अभी बात करते हैं स्क्रीनर की। तो आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मैंने कोई भी स्क्रीनर का इस्तेमाल नहीं किया है, मैनुअली मैंने इस स्टॉक को ढूंढा है जो कि मेरे वॉच लिस्ट में था ये ऑलरेडी स्टॉक, एंड मुझे टॉप गेनर्स में दिखाई दिया था, तो जस्ट मैंने वैसे इस स्टॉक को ढूंढा है। तो आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, आपको भी जरूर पसंद आया होगा ये स्टॉक। अभी हम बात करते हैं तीसरे स्टॉक की। थर्ड स्टॉक है हमारा टाटा कॉफी लिमिटेड। तो इस स्टॉक का मैंने टाइम फ्रेम वीकली टाइम फ्रेम पर कन्वर्ट कर रखा है, एंड आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर भी मल्टी ईयर ब्रेकआउट हमें नजर आ रहा है। पहले तो इस स्टॉक में वीकली पर एक रेंज का ब्रेकआउट देखने को मिला, फर्स्ट ऑफ ऑल 2013 से ये रेंज का क्रिएशन हुआ, एंड उसके बाद 2020 में जो कोविड का रिकवरी के वक्त जो बुल रन था उस वक्त यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिला फर्स्ट टाइम, एंड ब्रेकआउट होने के बाद और एक बढ़िया ट्रायंगल फॉर्मेशन से कंसोलिडेशन हो रहा है, एंड इसका भी ब्रेकआउट होने जा रहा है। तो यहाँ पर डबल पैटर्न का कंफर्मेशन है, आप क्लियरली देख सकते हो। तो यहाँ पर जैसे ही ये रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन कर लेता है प्रॉपरली, एंड आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पर ये सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है अभी फिलहाल, यहाँ पर कंसोलिडेशन कर रहा है रेजिस्टेंस के पास, मतलब यहाँ पर जरूर एक बड़ा मोमेंट हो सकता है आगे आने वाले कुछ दिनों में। तो यहाँ पर जो स्टॉप लॉस रहेगा मेरा एंट्री करने के बाद वो 240 के नीचे होगा जो कि है ये लेवल। यहाँ पर बहुत बार स्टॉक प्राइस यहाँ से ऊपर चला गया है तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, तो इसके नीचे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे और एंट्री करेंगे इसी जोन के पास जो कि है 250 के पास, एंड जो टारगेट रहेगा वो हम यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करते हुए इस ट्रेंड को राइड करेंगे। एंड यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पर एक ट्रायंगल फॉर्मेशन हो रहा है वीकली टाइम फ्रेम पर और डेली टाइम फ्रेम पर। तो वीकली टाइम फ्रेम पर एक बड़ा रेंज का ब्रेकआउट है, उसके बाद ट्रायंगल फॉर्मेशन करते हुए यहाँ पर कंफर्मेशन भी है। तो ये था इस स्टॉक का इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड टारगेट्स। अभी बात करते हैं कि इस स्टॉक को मैंने ढूंढा कैसे, तो इसके लिए मैं सिंपली गया ट्रेंड लाइन पर, एंड ट्रेंड लाइन पर जैसे कि आपको पता है कि मैं हमेशा इंडस्ट्री डैशबोर्ड को ट्रैक करता रहता हूँ, देखता हूँ ये कि इस हफ्ते ऐसा कौन सा इंडस्ट्री था जिसने बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखाया है। तो यहाँ पर मुझे टी एंड कॉफी ये इंडस्ट्री दिखाई दिया जैसे कि 14.87% से ये इस इंडस्ट्री ने आउट परफॉर्म भी किया है ब्रॉडर इंडेक्स को, और यहाँ पर ये इंडस्ट्री डैशबोर्ड में भी नजर आ रहा है, एंड कोल ने भी किया है। तो यहाँ पर मैंने टी एंड कॉफी को जस्ट एनालाइज करके देखा, एंड उसमें से मैंने टाटा कॉफी इस स्टॉक को एनालाइज करके इसको मैंने वॉचलिस्ट में ऐड कर दिया। तो इस हिसाब से आपको भी स्टॉक्स को एनालाइज करके अच्छे से अच्छे स्टॉक को ढूंढना होता है। आई होप कि आपको इंडस्ट्री एनालिसिस के बारे में समझ में आया होगा। तो चलिए अभी हम बात करते हैं हमारे आखिरी स्टॉक के बारे में जो कि है इंडो अमाइंस लिमिटेड। इंडो अमाइंस लिमिटेड में भी एक बढ़िया चार्ट फॉर्मेशन बनकर आ रहा है। यहाँ पर पहले तो डाउन ट्रेंड था इस स्टॉक में, एंड डाउन ट्रेंड का यहाँ पर ट्रेंड चेंज होके अप ट्रेंड में अब ये शिफ्ट हो रहा है। तो क्लियरली आप देख सकते हो यहाँ पर पहला शिफ्ट हमें नजर आया 109 इस लेवल का जब ब्रेकआउट हुआ तब हमें यहाँ पर एक स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है, एंड वॉल्यूम्स पर भी अगर आप गौर करोगे तो यहाँ पर भी वॉल्यूम बार्स बहुत ही बड़े फॉर्म हो रहे हैं, उसके साथ यहाँ पर प्राइस का मोमेंटम भी बहुत स्ट्रांग है। तो यहाँ पर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हो चुका है ट्रेंड शिफ्ट के साथ, पहले डाउन ट्रेंड था एंड उसके बाद यहाँ पर कर्व फॉर्मेशन करते हुए ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर जो टारगेट रहेगा वो 160 का है मेरा जो कि इसका हाई टॉप लेवल है ये, एंड उसके बीच में यहाँ पर 148 के पास भी रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के प्रॉपरली ट्रेड करना है ताकि आपका प्रॉफिट आप सेव कर सके एंड प्रॉपरली ट्रेड कर सके। तो ये थे सारे लेवल्स इंडो अमाइंस लिमिटेड के। तो इसको भी मैंने पोटेंशियल ब्रेकआउट इसी स्क्रीनर से ढूंढा हुआ है जो कि आप क्लियरली यहाँ पर भी देख सकते हो। इंडो अमाइंस का नाम यहाँ पर सबसे पहला
दिखाई दे रहा है आपको। तो इंडो अमाइंस ने 10.52% का ऑलरेडी मोमेंटम कर चुका है, पर यहाँ पर और ज्यादा पोटेंशियल होने के कारण 160, इसलिए मैं ये स्टॉक आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर और ज्यादा पोटेंशियल है। तो इस स्टॉक में अगर रिटेस्ट भी होता है तो आप और ज्यादा क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, और जो स्टॉप लॉस रहेगा आपका वो सिंपली इसी लेवल के नीचे होना चाहिए जो कि है 120। तो 120 के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो ये थे आज के सभी स्टॉक्स और स्क्रीनर्स। आपको एक स्क्रीनर पता चला पोटेंशियल ब्रेकआउट, जिसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न का भी आप यूज कर सकते हो, उसका भी प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट आपको पता चला जो कि है डोनियर इंडस्ट्रीज में। वैसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि और भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, और अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे मैंने उसका भी लिंक दे दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।